ऐसा जो चौकी इंचार्ज खैरपुर है उनको एक लिखित में एप्लीकेशन दे के आए थे और सीसीटीवी फुटेज का पेन ड्राइव में डलवाकर दे के आए थे। ये उसके बाद नलायकी, पुलिस की नलायकी भी है कि जब पेन ड्राइव दे दी उन्होंने, पेन ड्राइव खोल के देखी नहीं उसमें हुआ क्या है। तो प्रबंधक कमेटी ने भी हमारे सत्कार सभा से सुखविंदर सिंह जी, प्रधान जी, प्रकाश सिंह साहू वाला, जहाँ हमारे किसी को भी संपर्क नहीं किया। वो तो हमारे को परसों पता चला है, कोई पंजवाने से हमारे साथी हैं, उनका रिश्तेदार था, उसने बात करते करते भी ऐसा गुरुद्वारा में वहाँ कोई चोर आया, पता नहीं क्या हुआ भी पता नहीं चला। हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं और प्रधान जी से मैं बात करके, तो एसपी साहब से बात करते हैं। जब हमने वहाँ सीसीटीवी फुटेज देखा तो जो चोर था, जो उसको चोर बोल रहे हैं, चोर नहीं था वो, एक बेदबी करने के लिए प्लानिंग से भेजा हुआ आदमी था। क्योंकि जब चोरी करने वाला चोर जाता है तो वो पहले गोलक की तरफ जाता है। आपको सबको सीसीटीवी मैंने भेजा है, उसमें सीसीटीवी में कहीं भी वो जो गुरुद्वारा साहब की गोलक है जहाँ से वो पैसे चुराने के लिए आता वहाँ नहीं गया। वो जहाँ हमारा गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता है उसकी बैक साइड में जाके जो बैग तोड़ के वहाँ सुखनी साहब के गुटका साहब का निरादर करता है और वहाँ से चला जाता है। तो उसका क्या समझें, वो किसी गलत मंशा से ही गुरु ग्रंथ साहब जी को नुकसान पहुँचाने के लिए आया था। लेकिन हमारे जो वहाँ घर के पड़ोसी थे गुरुद्वारा साहब के, वो उठ जाते हैं जब आवाज़ आती है, तो उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो कोई एक तो होता चोरी वाला, नशे वाला, वो नशे वाला नहीं था। सबसे पहले वो अंदर जाते ही उसने ऊपर जो गेट के ऊपर जगह थी उससे अंदर जाके पैड़ी के ऊपर अंदर से जो कुंडा खोल के, पैड़ी खोली है अभी, अगर भागना पड़े तो मैं पैड़ी से ऊपर से भागूंगा। वो बिल्कुल प्लानिंग के साथ आया, प्लानिंग के साथ गया है। तो हमारा रोष है पुलिस प्रशासन से भी इतने दिनों बाद भी आपने इतनी बड़ी घटना, जो कि जिससे पूरी सिख समाज का नहीं, पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी में आस्था रखने वाले लोगों का जो है दिल दुख होता है, तो उसको आपने इतना संजीदगी से नहीं लिया और एक चोरी का मसला समझते हुए। उसके बाद भी जब अखबार में आया तो मैंने पढ़ा भी, आपने चौकी इंतजार से किसी ने सवाल किया था तो वो कहता भी मंशा तो वो चोरी से आया था, तो हमने उसका काउंटर किया था भी, एस भी चौकी इंतजार साहब ने आप भेजा था क्या उसको चोरी करने के लिए, उनको मंशा क्या पता चल गई। इसलिए किसी भी तरह की हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी के, जहाँ हमारे किसी भी पवित्र गुटका साहब की कोई बेअदबी कभी भी सिख संगत सहन नहीं करेगी। आगे से इस चीज़ों का पुलिस प्रशासन भी ध्यान दे, जहीं भी जहाँ पर भी हमारे गुरुधाम हैं, गुरुद्वारा साहब है, उनकी जो है सुरक्षा सुनिश्चित करे और उसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे ले। तो पता चला सर कौन है कुछ नहीं अभी तक कुछ पता नहीं चला। हमने सीसीटीवी हमारे ग्रुपों में डाल रखी है, पुलिस में केस किया है, FIR में 295 धारा जो जुड़ा दी गई है, जो गजरी की आपको नहीं ये तो जांच का विषय है ना, पुलिस बताएगी। लेकिन ये माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं, ये हमारे को आपस में लड़ाने वाले लोग हैं। कोई भी धार्मिक लोग, जो किसी दूसरे धर्म को मानने वाला, मैं सिख धर्म को मानता हूं तो मैं किसी दूसरे धर्म के बारे में निरादर नहीं करूंगा। जो दूसरे धर्म को, धार्मिक लोग कभी ऐसा बात नहीं करता है। जो अधर्मी है, जो सिख मतलब समाज को बांटने वाले लोग होते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो किसी पैसे के लालच में, किसी दबाव में आके ये काम करते हैं। ठीक है।